अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर पंजाब के मंदिरों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम हैं प्रसिद्ध दुर्गियाना मंदिर में और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, खासतौर पे आप वहां पे देखें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या जी, सब जगह विशाल लंगर की बात की गई है और साथ में आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा है, और आपको बता दें यहाँ पे वैसे भी सुरक्षा रहती है लेकिन इस बार जो एडवाइजरी आई है पंजाब पुलिस की तरफ से, सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है। पेरीमीटर के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा लगाई गई है, QRTA CCTV तक यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जाहिर सी बात है 22 जनवरी एक अहम तारीख है और उसके मद्देनजर ये जो अतिरिक्त स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं। और आपको ये भी बता दें, पाकिस्तान ISI हो या फिर आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनकी तरफ से खतरा बना रहता है। खासतौर पे 500 से ज्यादा किलोमीटर है जहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब का लगता है, वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान है। और आपको बता दें जहां पे सुरक्षा 24 घंटे रहती है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, लेकिन अंदरूनी इलाके यानी हिंटरलैंड में हम बात करें तो वहां पे भी पंजाब पुलिस जो कि सेकेंड लाइन ऑफ ड्यूटी है या आप बोल सकते हैं सुरक्षा है वो है। और जाहिर सी बात है चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है और पूरी तरह से नजर रखी गई है, खास तौर पे कोई संदिग्ध आदमी ना हो। और 22 जनवरी और 26 जनवरी दो ऐसी तिथि हैं जहां पे सिक्योरिटी को लेके हाई अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी तरह का षड्यंत्र नहीं हो पाए, श्रद्धालु आए, श्रद्धा से आए। अयोध्या में तो हाई सिक्योरिटी है ही, लेकिन जहां तक पंजाब के मंदिरों की बात कर रहे हैं और साथ में जितने राम मंदिर हैं वहां पे भी सिक्योरिटी लगाई गई है और यहाँ पर एडवाइजरीज भी दी गई हैं और लगातार सतर्कता बनी रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे ग्राउंड पर चेकिंग कर रहे हैं। सर, किस तरह की सिक्योरिटी रहती है यहाँ पर? सिक्योरिटी पूरी टाइट है जी, इतने कोई गलबात नहीं। अभी साढ़े मुलाजम लगे 4 गेट, 5 गेटा साढ़े मुलाजम लगे है जी। तो दुर्गियाना मंदिर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यही सुरक्षा जो है, खास तौर पे जो बाकी मंदिर हैं वहां पर भी लगाई गई, एक अलर्ट रखा गया है। और खास तौर पे क्योंकि ये प्रसिद्ध मंदिर है और आपको बता दें ऐतिहासिक तौर पे भी अगर देखा जाए, यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है और जो मानना है कि लव कुश ने अश्वमेघ को भी बांधा था और साथ में हनुमान जी को भी, और वो जो पेड़ है वो यहाँ पर है और यहाँ से पाकिस्तान सटा हुआ है। लाहौर और कसूर दोनों लव कुश के नाम पे रखे गए थे। जो ऋषि वाल्मीकि है उन्होंने रामायण यहीं पर लिखी थी अमृतसर में। तो ये सारी जो बातें हैं इस वजह से ये काफी प्रसिद्ध भी है और खास तौर पे गुरु नगरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिंक है खास तौर पे वो भी देखा गया और हम यहाँ पे कर रहे हैं जिस तरह से एक महापर्व है वो रखा गया है 22 जनवरी के मद्देनजर और ये एक अहम हो जाता है। और उसके ये हम देख सकते हैं चाहे QRT हो, चाहे CCTV हो, चाहे अतिरिक्त पुलिस पर्सनल हैं, ये सारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। कैमरा पर्सन गिरीश चंद्र के साथ कमलजीत संधू, अमृतसर आज तक।